Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी. सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस. वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस के नतीजे में किसी भी तासुब पर मबनी अमल की मुखालफत कर दी. चीन में कोरोना वायरस से मुतासर सूबे से वापस कनाडा आने वाले शहरों को 2 हफ्तों तक ऑन्टेरियो में वाके मिलिट्री बेस में रखा जाएगा. कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सैलाब और बारिश के सबब तबाही, 500 के करीब सयाह फंस गए. मॉन्ट्रियल में अकलती बरादरी ने नस्ल परस्ताना इकदाम की रोकथाम के लिए पुलिस से अहम इकदाम का मुतालबा कर दिया है. कैनेडियन सूबे क्वेबेक के अहम शहर की 60वीं सालगिरह, मुकामी हुकूमत ने भरपूर जश्न का ऐलान कर दिया. अमेरिका कोरोना वायरस से मुताल्लिक खौफ पैदा कर रहा है. चीन का कहना है अमेरिका वो पहला मुल्क था जिसने अपने सिफारती अमले के जुज़वी इनखला की तजवीज़ दी और चीन से आने वालों पर पाबंदी लगाई. चीन में कोरोना वायरस से मजीद 57 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद चीन में वायरस से मरने वालों की तादाद 361 हो गई. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद. Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer. Palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadu ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein. Aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चीन में फैलने वाले मोहलिक कोरोना वायरस के सबब नस्ल परस्ती के बढ़ने के खिलाफ इंतबाह कर रहे हैं. वायरस के सबब चंद कैनेडियन को मुश्किलात का सामना है. मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चीन में फैलने वाले मोहलिक कोरोना वायरस के सबब नस्ल परस्ती के बढ़ने के खिलाफ इंतबाह कर रहे हैं. वायरस के सबब चंद कैनेडियन को मुश्किलात का सामना है. चीन के नए साल के आगाज की मुनासबत से टोरंटो में मुनक्किदा एक तकरीब में ट्रूडो का कहना था कि किसी भी किस्म के नस्ल परस्ताना अमल को कैनेडा कबूल नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि इस बात को वाजे कर देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में खौफ, गलत मालूमात और तासुब की कोई गुंजाइश नहीं है. वाजे रहे कि कैनेडा में कोरोना वायरस के 4 केसेस सामने आ चुके हैं. दूसरी जानिब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर नई नस्ल के कोरोना वायरस के मूजी मर्ज के बारे में बात की. व्हाइट हाउस से जारी करदा ऐलामे के मुताबिक ट्रंप और ट्रूडो ने कलील मुद्दत कबल दस्तखत होने वाले अमरीका, मैक्सिको, कैनेडा तजारती मुहादे समेत नई नस्ल के कोरोना वायरस की वबा का जायजा लेने और उसका सद्देबाब करने के मामलों पर दोनों मुल्कों की मुश्तरक कोशिशों पर गौर किया गया. सरबराहान ने मुजाकरात में अवामी जमहूरिया चीन की जानब से बिला जवाज कैद में रखे जाने वाले कैनेडियन शहरियों की रिहाई की जरूरत के मामले पर भी मुताबिक कायम की हुई है. वाज़ेह रहे कि चीन ने साल 2018 में दिसंबर में जासूसी के इल्जाम में 2 कैनेडियन शहरियों को हिरासत में ले लिया था. ऑटोवा की जानब से इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि वो कब चीन के सूबे वुहान के लॉकडाउन किए गए शहर में पहुंचेंगे. उन्हें ताहाल चीनी हुकाम की जानब से हतमी मंजूरी का इंतजार है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कनाडा की हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया है कि चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा सूबे से वापस कनाडा आने वाले शहरियों को 2 हफ्तों तक ऑन्टेरियो में वाके मिलिट्री बेस में रखा जाएगा. ताहम ऑटोवा की जानब से इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि वो कब चीन के सूबे वुहान के लॉकडाउन किए गए शहर में पहुंचेंगे. उन्हें ताहाल चीनी हुकाम की जानब से हतमी मंजूरी का इंतजार है. शहरियों को लाने वाला तैयारा कैनेडियन फौज के ट्रेनटन बेस पर उतरेगा.
कनाडा के महकमे उमूर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शहरियों की सेहत की हिफाजत हमारे लिए अहम है। वापस आने वालों की परवाज में सवार होने से कबल उनकी सेहत की जाँच पड़ताल की जाएगी। वुहान से लौटने वाले तमाम अफराद को जहाज के अमले समेत 14 दिन तक मिलिट्री बेस में रखा जाएगा, जहाँ उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा और उनकी सेहत की बेहतरीन हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कुछ बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया में राबता सड़क लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद हो गई, जो 36 घंटे गुजरने के बाद भी नहीं खोली जा सकी, जिसके नतीजे में तकरीबन 500 सयाह उस मुकाम पर फंसे हुए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मगरबी कनाडा में शदीद बारिशों के बायस सस्क्वाच माउंटेन रिजॉर्ट जाने वाली राबता सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई, जो 36 घंटे गुजरने के बाद भी नहीं खोली जा सकी, जिसके नतीजे में तकरीबन 500 सयाह उस मुकाम पर फंसे हुए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के वजारत मवासिलात के एक बयान में बताया गया है कि सड़क को खोलने में 5 से 6 रोज लग सकते हैं और शहरी काम मुकम्मल होने तक अपने घरों में रहे। रिजॉर्ट मैनेजर शिबले लैम ने कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल के बायस बिजली की फरहमी मुअत्तल है, जबकि राबता सड़क बंद है। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं मॉन्ट्रियल में अखिलती बिरादरी की जानिब से कहा गया है कि पुलिस के कल्चर को बदलने की जरूरत है, पुलिस में मजीद मुकामी अफराद को भर्ती किया जाना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की अखिलती बिरादरी के अरकीन ने SPVM से मुतालबा किया कि वो ट्रैफिक स्टॉप और चेकिंग पॉइंट्स पर नस्ल परस्ताना इकदाम के दस्तावेजात की मुहिम का आगाज करें। अखिलती बिरादरी की जानिब से एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि पुलिस के जरिए नस्ली इम्तियाजात में कमी का ज्यादा इम्कान है। पुलिस के जरिए गिरफ्त में आने वालों की रेस की दस्तावेजात दूसरे शहरों में पहले ही अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक तहकीक जिसे SPVM ने शुरू किया था और गुज़िश्ता मौसम खजा में जारी किया था, उससे पता चलता है की सियाफाम अरब और मुकामी लोगों को रोकने की सबसे ज्यादा है। अखिलती बिरादरी की जानिब से कहा गया है कि पुलिस के कल्चर को बदलने की जरूरत है, पुलिस में मजीद मुकामी अफराद को भर्ती किया जाना चाहिए। शहर के उबूरी ओपोजिशन लीडर का कहना है कि पुलिस वालों के साथ कैमरा लगाने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया है। वाज़ह रहे कि अक्टूबर 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि मॉन्ट्रियल में पुलिस सफेद फॉर्म के मुकाबले में दीगर अफराद को ज्यादा रोकती है, जिससे उस बात का पता चलता है कि पुलिस नस्ली तासुब की मुर्तकिब हुई है। कैनेडियन सूबे क्वेबेक का इलाका डॉलॉर्डेज ओर्मो शहर की हैसियत से साल 2020 में अपनी 60वीं सालगिरह मना रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्वेबेक का इलाका डॉलॉर्डेज ओर्मो शहर की हैसियत से साल 2020 में अपनी 60वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके की मुनासबत से शहर के डी सेलेब्री बाउल पर बैनर्स रोशन कर दिए हैं और 100 साल पुराने पार्क में दरख्तों में चमकती हुई रोशनी शामिल की, जहां 1 फरवरी को सर्द मौसम के जश्न का आगाज हुआ। 4 फरवरी को शहर की 60वीं सालगिरह का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा, जबकि 12 सितम्बर को सिविक सेंटर के पास एक तकरीब मुनाकिद की जाएगी, जिसमें कदीम गाड़ियों मुकामी मसनूआत और जानवरों को रखा जाएगा, जबकि रात गए खुले आसमान तले एक मूवी भी दिखाई जाएगी। शहर के मेयर एलेक्स बोटाशी का एक बयान में कहना था कि हम एक शहर की हैसियत से एक तवील सफर तय कर चुके हैं, जिस पर हम सबको फख्र है। 60 साल मुकम्मल होने पर शहर के इंतजामिया की जानिब से शहरियों से कहा गया है कि वो शहर के हवाले से अपनी पुरानी यादों की तस्वीर उनके साथ शेयर करें। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस के पेश नज़र अमरीका कोई ख़ास मदद करने के बजाय ऐसे इकदाम कर रहा है जो खौफ पैदा कर रहे हैं और जिन्हें फैलाया जा रहा है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस के पेश नज़र अमरीका कोई ख़ास मदद करने के बजाय ऐसे इकदाम कर रहा है जो खौफ पैदा कर रहे हैं और जिन्हें फैलाया जा रहा है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तर्जुमान हुआ चिंग योंग ने कहा कि अमरीका वो पहला मुल्क था जिसने अपने सिफारती अमले के जुज़्वी इनखला की तजवीज़ दी और चीन से आने वालों पर पाबंदी लगाई। ऑनलाइन न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि ये सब करने से सिर्फ खौफ पैदा होगा और फैलेगा, जो बुरी मिसाल है। साथ ही उनका कहना था कि चीन को उम्मीद है कि मुमालिक ऐसे फैसले करेंगे और रद्द अमल देंगे जो मुनासिब पुरसकून और साइंस पर मबनी होंगे। वाज़ह रहे कि 28 जनवरी को अमरीका ने वस्ती चीन के शहर वुहान से अपने शहरों को निकालने के अमल का आगाज कर दिया था। चीनी हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के 2,229 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,200 से ज्यादा हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 57 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद चीन में वायरस से मरने वालों की तादाद 361 हो गई। ये तादाद सन 2002 से 2003 के दरमियान चीन में सार्स की वबा से मरने वालों की तादाद से ज्यादा है। सार्स की वबा से चीन में 349 अफराद हलाक हुए थे।
चीनी हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के 2,829 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,200 से जायद हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस से फिलिपाइन में भी एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 24 ममालिक में भी अब तक कोरोना वायरस रिपोर्ट हो चुका है, जिनकी तादाद 149 है। चीन के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 20 केसेस जापान में सामने आए हैं। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 9 हो गई है, जबकि भारतीय रियासत केरला में कोरोना वायरस का दूसरा केस सामने आ गया है। वुहान से फ्रांस लौटने वाले 20 अफराद में कोरोना की अलामत पाई गई है, जिसके बाद तस्दीक के लिए उन अफराद के खून के नमूने ले लिए गए हैं। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।